बालाघाट, इस समय पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और इससे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार अपनी शासकीय मशीनरी का उपयोग करते हुए देश और प्रदेश के हर व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने का प्रयास कर रही है, किंतु अभी भी कुछ शासकीय कर्मचारी और अधिकारी अपने फायदे के साथ जनता का हक मार रहे हैं। मामला सेवा सहकारी समिति केरनापुर के अंतर्गत आने वाली किन्हीं सोसाइटी के ग्राम जामड़ी मेटा का है, जहां सेवा सहकारी समिति के सेल्समैन सुरेश भंडाकर द्वारा राशन कार्ड धारकों को 5-5 किलो राशन कम दिया जा रहा है। कुछ ग्रामीणों ने यहां तक बताया कि पूर्व में भी सुरेश भंडाकर द्वारा कई बार राशन कार्ड धारकों को राशन कम देता रहा है और शाम को व्यापारी को राशन बेच देता है, जबकि राज्य सरकार द्वारा पूरे 3 महीने का एक मुफ्त राशन देने के आदेश जारी किए गए हैं। इस विषय में जब हमने जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी मिलन तिवारी से बात की तो उन्होंने सेल्समैन का पक्ष रखते हुए कहा कि आवंटन नहीं होने के कारण ऐसा किया गया, जिससे साफ जाहिर होता है यह कार्य उच्च अधिकारियों के साठगांठ से यह कार्य को अंजाम दिया जाता है, जबकि राज्य सरकार के ऐसे कोई भी आदेश जारी हुए ही नहीं है। इसका मतलब साफ है कि इस खेल में मिलन तिवारी जैसे भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्हें सेवा सहकारी समिति के सेल्समैन लोगों के हितों को मारकर जमा किए राशन को व्यापारियों को बेचकर मोटी रकम पहुंचाते रहते हैं। देखना होगा कि ऐसे अधिकारियों और सेल्समैनों पर सरकार क्या कुछ कार्रवाई और कब करती है। राजलाल निवार, कहाँ रहते? बंगल टोलो। अच्छा, कल सोसाइटी में 5 किलो अनाज कम दिया जा रहा था, क्या है मामला? वो ऐसा मामला है कि वो हमने बोले 5 किलो राशन क्यों कम दे रहा है, तो बोले तुम्हारे से बंद होगा तो कर लेना, ऐसा करके बोला लाठी लेकर दबड़ाता हूँ। किसके ऊपर? उसके भी मुकेश के पीछे। मुकेश के ऊपर आपने विरोध किया उसका? राशन ले रहा था जी मैं। चलिए, मैं मिलन तिवारी, जीएसओ करना। सर, अभी सेवा सहकारी समिति किन्हीं के अंतर्गत एक जामड़ी मेटा में भी समिति है, सेवा सहकारी समिति, जिसमें खाद्यान्न वितरण किया जाता है, जहाँ पर सेल्समैन सुरेश भंडारकर हैं, शायद आपके नॉलेज में भी होगा, वहाँ पर 5 किलो अनाज कम दिया जा रहा है, क्या ऐसे कोई आदेश जारी हुए हैं 5 किलो कम देने के? नहीं नहीं, ऐसा फिलहाल तो कोई ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ है। हालांकि खाद्यान्न की कमी को देखते हुए विक्रेता और उपभोक्ता के सामंजस्य के अनुसार भी कई जगह राशन वितरण किया जा रहा है। जी, तो ये आदेश नहीं है दरअसल, ये ऐसा आप ऐसा मौखिक रूप से कह सकते हैं कि ये यदि ऐसी व्यवस्था हो तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ सर, वहाँ अभद्रता को लेकर सुरेश भंडारकर पे आरोप भी लगे, वहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि यदि 5 किलो के सवाल जवाब किए जाते हैं तो उसके लिए उन्होंने डंडे से मारने या बिल्कुल गाली गलौच वाली स्थिति, क्या आपके संज्ञान में? नहीं, इस बारे में कुछ आपके संज्ञान। लेकिन सर, शाम तक ये भी होता है कि वो सेल्समैन 2 से 3 कट्टी उन व्यापारियों को दे देता है जो 5 किलो बचा के रखता है, तो क्या ये आपके संज्ञान में? यदि है ऐसा तो क्या कार्रवाई करेंगे आप? नहीं, अभी तो फिलहाल तो मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यदि ऐसा है सही तो उसकी जांच की जाएगी, जो भी यथासंभव कार्रवाई की जाएगी।